तो हम लोग इंस्टा बनेगी वीडियो। पहुंच चुके हैं कैंपिंग लोकेशन पर। ये हैं हमारे सर जो कुर्सी में बैठे रहेंगे, हेलो हेलो अननोन ड्रीमर। ये और ये भाई साहब हमारे, हेलो हेलो और हेलो भाई, ये सैनी भैया हैं। और ये भाई साहब हमारे, ये तो परिचित हैं, अच्छी जान पहचान वाले हैं, पुराने जान पहचान वाले। अभी लकड़ी ढूंढने जाना है यार, मेन तो है आग ना, क्योंकि आज तो मौसम सही है, बारिश भी नहीं है, तो हमें लकड़ी लेनी पड़ेगी। और उसके लिए अपने हथियार जो हैं, सर्वाइवल टूल्स, वो निकालते हैं फटाफट। ये एक्स है हमारी, एक्स है और ये नेक्स्ट है। क्या बोला तूने? और ये नाइफ, सर्वाइविंग टूल्स सारे हमारे निकल चुके हैं। और इसके बाद अब हम लकड़ियां लेने जाएंगे, पहले लकड़ियां लेके आते हैं, फिर उसके बाद टेंट सेटअप करते हैं। कुछ लकड़ियां मिलनी शुरू हो गई हैं हमको, ये सब काम आएंगी भाई, ये सब उठा लेते हैं फटाक से। अभी लुंगाया लनु पर आ गया, नोई पेड़ काट दोगे पूरा? ओए सब गोप्रो प्रो नीचे करता है। अरे पेड़ मत काटना, लकड़ी काटने व्यस्त है। देखो दीपू भाई यहाँ लकड़ी काट रहा है, और वहाँ अन्नू भाई और सैंडी भाई चले गए हैं काटने के लिए। लकड़ियाँ बहुत सारी हो चुकी हैं भाई। वो हमारी लोकेशन कहाँ की? ये ऊपर सबसे बेस्ट है, ऊपर से नीचे लोग लकड़ियाँ लेके आ गए हैं। टाइम काफ़ी हो गया यार, अंधेरा भी हो गया है, और जंगल बहुत भयानक है, डरावना जो जंगल होता है वो जंगल है, हम उसमें हैं। फटाफट इसको लगाते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे एक टेंट हम, और एक उस साइड पे लगाएंगे, तो दोनों टेंट यहाँ, और आग एकदम सामने आग जलाएंगे, उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम होगा उसको शुरू करेंगे। तो गाइस देखो सामान मेरा बंद कर अंदर, और उसके बाद सजा देते हैं अपने आलीशान महल को। अरे कहाँ कहाँ सो गाइस देखो यहाँ पे गड्ढा बना रहे हैं हम। जो गड्ढा हम बनाते हैं हर वीडियो में, उसका रीजन ये है कि आग फैले ना इधर उधर, क्योंकि देखो आग की वजह से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, कई घर भी जल सकते हैं, और जो जंगली जानवर होते हैं उनके घर भी जल सकते हैं, तो उसके लिए हम गड्ढा बनाते हैं ताकि फैले ना आग। फटाफट गड्ढा खोदते हैं और आग जलाते हैं अब। नीचे करना थोड़ा, आग जला ली, आग जलाने के बाद चाय बना रहे हैं, चाय बनाने के बाद खाना बनाएंगे, फिर खा के फिर सो जाएंगे। मौसम बहुत ही बेहतरीन है आज, चंद्रमा दिख रहे हैं ऊपर, तारे दिखाई दे रहे हैं भाई साहब। इसको ख़त्म करना है यार फटाफट। यहाँ पे बन रही है अपनी चाय, और हैंड पंप वाले पानी की लाल चाय, और पानी बिल्कुल भी लाल नहीं हुआ है, मज़ा आ गया। क्योंकि ना इनमें देखो जिसमें लाल दिखा रहा है ऐसे, हमारे में थोड़ा अलग पीला टाइप का दिखा रहा है ना, तो उसका ओरिजिन तो देखो पीला टाइप का, जो मेरा इसको आई इफेक्ट है ना, आई इफेक्ट लगा देता हूं ऐसे। अच्छा हां, इसमें ब्राइटनेस बढ़ा ना थोड़ा सा। मैं स्ट्रिप के आगे मैं डाल देना कुछ भी गंदे। पहले तू बना रहा है ना? बना लिया वो हट ना भाई, मैं तो
सो गाइस चाय के मजे ले रहे हैं। क्या मेरे बच्चे केले कमले कर हेले चा वाह है दीप्या मस्त बनी है चाय केल कम कर छी वो पड़ा है मैं वो वहां से कहां निकालेगा बे ए ऐसे घुमा लेना उसको मैं हम निकाल ले निकाल इसको निकाल ले यार इसको इसके बाद जब इसका स्टेटस देखा कि उत्तराखंड घूमने वाला हूं मैंने कहा भाई कहां जा रहे हो कैसे हो क्या हो जो उसका मीटअप था उसका ठीक है कोयले बनाया है कोयले बन रहे भाई बन ले क्या करना है इसका सूखा हुआ चिकन बन कर रखा है लगे रख दिया ये लगने पता है सूप जला रहा मैं कर रहा हूं इसे लगने नहीं लगता ऐसी लग रहा है बारबेक्यू की तैयारी हो रही है हमारे आशीष भाई जो हमारे मेन हेड शेफ है यहां पे वो तैयार हो चुके हैं हेड कैंपर बारबेक्यू बनाने को और भाई ये रिस्क रहता है देखो अगर ये गलती से खुली रहती है ना तो ये रिस्क रहता है बस ये जस्ट पीछे साइड आवाज सुनो काकड़ की हिरन अभी आप तो आज कुछ अलग तरीके से चिकन बना रहा हूँ तो इसलिए सारा तेल डाल रहा हूँ बंदर की अच्छी आ रही टमाटर पक गया लो तो गाइस देखो यहाँ पे हमारे आशीष भाई बना रहे हैं चिकन विद ग्रेवी पहले वो कर ले ग्रेवी बना ले टेस्ट कर लेंगे उसके बाद डालेंगे ठीक है तो गाइस देखो ये बन चुका है चिकन अब पता नहीं कैसा बना होगा खाने के बाद पता चलेगा फटाफट खाते हैं उसके बाद सो जाते हैं गाइस खाना खा लिया पेट एकदम मस्त फुल हो गया और आज तो मजा आ गया बिल्कुल टाइम हो गया तुम्हारा 1:21 1:21 हो गया तो अभी सो जाते हैं यार आंखें बहुत झूम रही है ऐसा लग रहा है जैसे नशे में नींद के नशे में हम वैसे नशे में नहीं है गुड नाइट मिलते हैं सुबह हे गाइस गुड मॉर्निंग तो हो चुकी है हमारी सुबह तो अभी मेरे पीछे की तरफ देखो सामने एकदम रेड रेड दिखाई दे रहा है उस साइड से सूर्योदय होने वाला है सो गाइस देखो वहाँ पे पैकिंग चल रही है अभी आशीष भाई की फटाफट पैक करते हैं और निकलते हैं और आप लोगों को मैं यहाँ पे जंगल भी दिखा दूँ यार मैंने जंगल भी नहीं दिखाया कल रात में तो यार ये देखो कुछ इस तरह से है जंगल सो गाइस देखो चाय बन चुकी है हमारी सुबह की और आशीष भाई परोस रहे हैं चाय और चिस्कियों के साथ खुशबूदार चाय बनी है भाई खुशबूदार जिसे कहते हैं ना अदर पूफ पी ले
सो गाइस देखो, आज हमने लीटर के हिसाब से चाय बनाई है क्योंकि मौसम भी ठंडा है, सर्दियों का मौसम है थोड़ा, तो चाय के साथ तरोताजा हो लेते हैं सुबह सुबह। आज हमने भाई पूरे इस ये भर के चाय बना रखी है। तो अभी ये चाय हम लोगों ने, हम दोनों के लिए नहीं, हम अपने सारे लोगों के लिए बना रखी थी, वो लोग चले गए हैं, वो लोग कार से आ रखे थे, हम भी उन्हीं के साथ आ रखे थे। चलो कोई नहीं, हम पैदल हो गए क्या दीपू? चलता है, थैंक यू आशीष ब्रो, चीयर्स। ये ये चाय है ना भाई, सुबह सुबह एकदम तरोताजा कर देती है। वाह रौनक आ गई भाई, एकदम कड़क कड़क क्यों सुबह सुबह की। तो फ्रेंड्स देखो, पैकिंग हो चुकी है हमारी, बैग मेरा रेडी हो चुका है, बस अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ। दिन भी काफ़ी बढ़ चुका है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं घर के लिए। आज के लिए बस इतना ही, इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, ज़िंदगी के फुल मज़े लीजिए।